आप लोग, आपने भी खूब प्रचार किया है, प्रचार में हमले भी आपने बहुत झेले, आप ही सेंटर में रहे प्रचार में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, निशाने पर आप ही थे। और सवाल यही है बड़ा कि क्या राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है, जैसा कि हमेशा रिपीट होगी ये निश्चित है, क्योंकि माय बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। अगर वहां के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं है, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का, बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुंच गया, और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चीनी योजना लेके आ गए जो 25 लाख बीमा था 50 लाख कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, OP लागू कर दिया जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण है कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैसलों को लोगों ने लाइक किया, इसलिए कई चले राजस्थान में एंटी इनकमबेंट नाम की चीज नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर, जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वहां पर मजबूत होगी, वरना कई स्कीमों में तो सरकार आते ही वो खत्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे, उनकी फितरत में ही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तो हमारा एजेंडा साफ है 2030 का, मिशन 2030, उस रूप में हम चल रहे हैं।